हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज दिन है शुक्रवार, यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मेरा दूध गर्म हो रहा था और उबल भी गया अच्छे से। और यहाँ पर देखिए मेरी प्रिंसेस गुड़िया बैठी हुई है, सतानी हो रही है उसकी, नमक लिए हुई है और फैला रही है पैटी वैटी। और उसकी बन रही है यहाँ पर मैगी, और मैं उसके लिए मैगी बना रही हूँ। तो वो बोल रही थी मुझे यहीं बैठना है साथ में, तो मैं उसको यहीं पर बैठा दिया। और उसके साथ साथ मैंने उसके लिए मैगी बना दूँगी, और मैं उसकी मैगी सिंपल सा ही बनाऊँगी, थोड़ी सी उसके लिए बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर पानी भी था और मैंने तेल डाल दिया है, देखा नहीं। और अब मैं इसके साथ जीरे के साथ इसके प्याज डाल दूँगी, आलू डाल देती हूँ उसके, सब कुछ डाल देती हूँ उसमें साथ में। सिंपल सी बनाती हूँ, मतलब मैगी में डालती तो सब कुछ है, बस हाँ मिर्ची नहीं डालती हूँ उसके लिए, क्योंकि वो मिर्ची खाती नहीं है। तो यहाँ पे वो उसके लिए हम अच्छे से फ्राई कर देंगे, और साथ साथ में और मेरा काम होता रहेगा जब तक। तो चलिए आप लोग मेरी वीडियो को मैं बने रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियो को एंड तक। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, जब तक पानी डालती हो तो मैगी डाल दूँगी और साथ में। और यहाँ पे देखिए वो मैंने ये लौकी मैंने कट करके रख ली है साथ में, और ये मेरे बॉयल हो गए हैं आलू भी। आज है एकादशी, एकादशी का को व्रत रहते हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं उनके लिए ये फरार बनाती हूँ आलू का और लौकी की सब्ज़ी और आलू की टिक्की बना देती हूँ सिंघाड़े के साथ। दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्ची कट कर ली है, और मैं ये अच्छे से फ्राई कर दूँगी। मिर्ची भी खाते हैं साथ में, अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। सो यहाँ पर मैं लौकी की सब्ज़ी तो बनाती हूँ, और साथ साथ में दही भी रहता है, मतलब जो आज एकादशी का फरार रहता है वो खाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं घी से कर दूँगी अच्छे से फ्राई इन मिर्चियों को, और मिर्ची से मैं अच्छे से लौकी की सब्ज़ी रहेगी वो फ्राई कर दूँगी। उसमें मैं नमक ये वाला नहीं डालती हूँ, जो सोना नमक रहता है व्रत वाला वही डालती हूँ, और हल्दी नहीं डालती हूँ, सिंपल सी बनाती हूँ। सो जब तक मैं यहाँ पर बना रही हूँ तो आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने लौकी डाल दी है, और बित पानी भी डाल दिया है साथ साथ में। और मैं इसके साथ साथ में अभी और जो सिंघाड़े और आलू की टिक्की रहती है वो भी बना ले रही हूँ यहाँ पर साथ में। मैंने अच्छे से आलू को छील करके उन्हें किस कर ली कद्दूकस करके और आटा में मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर देखिए मैं ये भी बना दूँगी, और साथ साथ में मेरी अच्छे से देखिए कितने प्रकार अच्छे से पक गई हैं। ज़्यादा तक टाइम तक नहीं पकाते हैं ना, चलो आँच में रख देते हैं ताकि अच्छे से पकती रहें, तेज़ नहीं करते हैं गैस, क्योंकि तेज़ करने से ना जल जाती हैं वो।
तो ये खाने में भी बहुत प्यारी टेस्ट लगता है इनका। इन्हें गरम गरम खाना तो बहुत अच्छे से टेस्ट आता है, और डॉकी के साथ सब्जी के साथ खाना तो और ही अच्छे से खाने का मज़ा कुछ और ही रहता है। सो ये देखिए आटा मैंने अच्छे से गूंथ दिया था इसमें, और अब मैं जाने वाली हूँ बर्थडे पार्टी में। आज मेरी फैमिली मेम्बर में बर्थडे है, तो मैं आज वहाँ पे जाऊँगी और एंजॉय करूँगी। तो आप लोग भी मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये मेरे बैठे हुए हैं सभी लोग, मेरी सासू माँ है, और यहाँ पे देख कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। ये है होटल चूल्हे वाला झांसी में, तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छा लग रहा है। अंदर की साइड है ये, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, तो यहाँ पर बैठ के सब लोग डिनर करते हैं। डिनर का बहुत मज़ा आता है, और हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया है। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है देखने में, देख सकते हैं आप लोग। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पे मैं अभी यहाँ पर पहली बार ही आई थी, मैंने आ तो चुकी थी मैं, लेकिन मैंने पहली बार ही घूमा था अभी, पूरा पहले नहीं घूमा था अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे देखे, मैं घूम रही हूँ और देख रही हूँ कहाँ वहाँ पर क्या है, तो मुझे तो देखने में और घूमने में बहुत अच्छा लग रहा था। सो देखिए यहाँ पर ये अंदर की साइड को है, यहाँ पर अंदर की साइड जाते हैं, और इस साइड देखिए ये आउट साइड को है, यहाँ पर भी होता है डिनर। यहाँ पे फैमिली मेम्बर मतलब जो भी हो सब लोग एंजॉय कर सकते हैं आराम से। सो यहाँ पे देखिए सब लोगों की हो रही है अच्छे से मस्ती, और हम बना रहे थे वीडियो, वीडियो में मैं सभी की मस्ती शूट कर रही थी। और यहाँ देखिए मेरी यहाँ जेठानी, इन्हीं का बर्थडे था आज, तो मैं यहाँ पे सेलिब्रेट करने आई थी, तो यहाँ पे कर लेते हैं सेलिब्रेट। जब तक यहाँ पे मैंने हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था, यहाँ पे मैं वेट कर रही थी हम लोग खाने का कब आता है, तो हम लोगों का हम लोग खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है खाना, तो चलिए गाइस आप लोग भी खा लीजिए, और हम लोग तो खा ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा खाना आया, ये है तंदूरी रोटी, और साथ में थी पनीर और दाल, और लच्छा पराठा भी था, वो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया था, वो अभी आया नहीं था इस टाइम, आएगा जब खाने के बाद थोड़ी। सो चलिए ये हम लोग खाते हैं, तो आप लोग भी डिनर कर लीजिए। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो ये तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए चैनल एच डी क्लब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।